नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज टॉप 20 हेडलाइंस। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते 4-4 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब। दुबई ने यात्रा प्रतिबंध में दी ढील, भारत समेत दूसरे देशों के लोग कर सकेंगे सफर। प्लेबैक सिंगर टप्पू मिश्रा का निधन, कोरोना से ठीक होने के बाद हुई समस्याएं। 81 दिन बाद मिले 60,000 से कम नए मरीज, 24 घंटे में 1576 की मौत। अयोध्या जमीन विवाद, ट्रस्ट ने वेबसाइट पर डाला जमीन खरीद का ब्यौरा। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। फर्जी फेसबुक प्रोफाइल से 100 से ज्यादा लड़कियों का पीछा करने वाला जिम ट्रेनर गिरफ्तार। कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट से तिलमिलाया पाक, कुरैशी बोले कश्मीर में बदलाव का करेंगे विरोध। गंगा दशहरा पर काशी में आज सांकेतिक रूप से आयोजन, वाहनों के प्रवेश पर रोक। हिमाचल में अब रोज 60,000 लोगों को लगेगी कोविड-19 वैक्सीन। कॉलेज में बुखार खांसी जुखाम वाले विद्यार्थियों की अलग कमरों में होगी परीक्षाएं। पंजाब में गठबंधन की सियासी अटकलों पर विराम, भाजपा में प्रत्याशियों की खोज शुरू। कोरोना के चलते हरिद्वार में सांकेतिक स्नान, फिर भी काफी संख्या में पहुंचे लोग। शादी समारोहों और धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की छूट, आधी क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल। योगी के हाथों में ही रहेगी कमान, एके शर्मा को उपाध्यक्ष बनाकर भाजपा ने दिया संदेश। अखिलेश यादव बोले गेहूं खरीद पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। 2 से 12 अगस्त तक होंगी परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। बिजनौर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 3 मजदूर झुलसे, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। वरुण धवन ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज, फैन से की खास अपील। पल्लवी पुरी की दोस्त का खुलासा, ऐसे आरोप के बाद सदमे में है अभिनेता। आप देख रहे थे के भारत न्यूज टॉप 20 हेडलाइंस। धन्यवाद।